आज हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, ये सिर्फ आज के दिन की बात नहीं है। अगर देखा जाए, जब से ये मुल्क बना है, तब से कश्मीर का मामला चल रहा है। जो कश्मीर के अंदर जुल्म और जबर हो रहा है, वो भी एक साल का नहीं है, वो भी एक सदी पे मुसलत है। एक सदी गुजर गई है, वहाँ पर जुल्म और जबर हो रहा है। हिंदुस्तान को समझ लेना चाहिए कि कश्मीरी कभी भी उसके जुल्म और जबर से ना डरने वाले हैं, ना घबराने वाले हैं। मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कश्मीर के हर घर के अंदर एक शहीद मौजूद है, शायद एक से भी ज़्यादा हों। हर घर के अंदर जुल्म और जबर हिंदुस्तान का शामिल है, ये सब हम जानते हैं। पाकिस्तान ने हर फोरम पे कश्मीर की बात की, बहुत आगे तक बात की। आज भी ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी के साथ कश्मीर के मामले को लेकर चले हैं। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने जज्बाती यहाँ पर बातें भी की, हम भी आज जज्बात में हैं। पूरा बलूचिस्तान का हर कस्बा जज्बात में है, जो एक जुल्म और जबर कश्मीर के अंदर मुसलहत की गई है हिंदुस्तान की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जिम्मेदारी के साथ इस मामले को लेकर चल रही है। हिंदुस्तान ये जानता है, बल्कि पूरी दुनिया जानता है कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की आर्मी मानी जानी मानी हुई एक ताकत रखती है, आज एटमी ताकत रखती है। हिंदुस्तान उस दिन से, मैं हिंदुस्तान को आज इस फोरम से, बल्कि पूरे बलूचिस्तान, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से ये कहना चाहूँगा, उस दिन से आप डरें, घबराएं। जिस दिन अफवाज पाकिस्तान श्रीनगर की तरफ रवाना हुआ और उसके शाने बशाने पाकिस्तान की आवाम भी साथ हो गई होगी, लेकिन हम आज भी जिम्मेदारी की सबूत दे रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ आगे चल रहे हैं कि नहीं, ये मामला आप टेबल पे आएँ और इनको हल करें। हिंदुस्तान के लिए यही बेहतर होगा कि ये चीज़ें समझे, इस तरह जुल्म और जबर ना करे जो कश्मीर के ऊपर उसने मुसलहत किया हुआ है। एक सदी से बर्दाश्त की भी एक हद होती है। आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान के कोने कोने से वो बर्दाश्त ख़त्म होता जा रहा है। मैं वाज़े पैगाम देना चाहता हूँ हिंदुस्तान को कि बलूचिस्तान की अवाम कश्मीरियों से मोहब्बत करती थी, करती है और करती रहेगी। कल जो एक तारीखी फैसला किया गया है, मैप, पॉलिटिकल मैप के अंदर कश्मीर को शामिल किया गया है, लेकिन मैं इससे भी आगे की बात करूंगा। पाकिस्तान का जब बच्चा यहाँ पैदा होता है तो ऑलरेडी उनके दिल में कश्मीर का नक्शा नक्श है, उनके दिलों में नक्श है। ये ना समझे कि कागज़ों में नक्श हुआ, शायद हमारे दिलों में नहीं है। ये 72 साल से भी पहले की बात है, कश्मीर हमारे दिलों में नक्श है। तो मैं यही गुजारिशात करना चाहूँगा कि आज ये जो जज्बा है, ये जो जुनून है, इसको और बढ़ाएं कश्मीरियों के साथ। और कश्मीरियों को भी मैं अपने भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि कश्मीरी अपने आप को तन्हा बिल्कुल ना समझें। बलूचिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के अवाम उनके साथ हैं, उनके जदोजहद में साथ रहेंगे। चाहे इसके लिए जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, ज़रूर देंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह ताला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया।